Sanchi, Shivam, Anshul, all of you switch on your cameras, please. Rajul. Okay. So, आज की क्लास में we'll be, you know, discussing about how to present profit testing table in Word. Obviously, थोड़ा differences हो सकता है. Now, many people have asked me कि हम लोग क्या Excel use कर सकते हैं क्या? आप लोग Excel use कर सकते हो for the calculation. बट मेक श्योर आप लोग जब कॉपी पेस्ट करो तो वो फॉर्मूलाज नहीं कॉपी होते, राइट? तो आप लोग को समझाना पड़ेगा कि वो वैल्यूज आया कैसे, अदरवाइज कैसे एग्जामिनर को पता चलेगा कि वेर आर दीज वैल्यूज कमिंग फ्रॉम. सो आई हैव टेकन वन सम टुडे, वी कैन यू नो जस्ट गो थ्रू इट. पूरा नहीं सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली, वी कैन जस्ट गो थ्रू इट कि कैसे, मैं दिखा दूंगी कैसे प्रेजेंट कर सकते हो. दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ प्रेजेंटिंग. बस आप लोग को एक तो चीज ध्यान में रखना है कि whatever you are doing can be explained. Like आप just एक number डाल के नहीं छोड़ सकते हो. और maybe even if there is a formula, or maybe if there is a proof, तो उसमें आप लोग एक formula use करो. So where is that coming from? ठीक है, आप एक equation बना रहे हो. Where is this equation coming from? Everything has to be explained. Maybe you are explaining it 2-3 lines, but it has to be explained. ऐसा नहीं कि बस खाली number लिख के छोड़ दिया. Otherwise examiner will think कि कहाँ से आ रहे हैं. एक्सटर्नल सोर्स से कॉपी नहीं कर सकते, यस उनको दिखा सकता है. सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी व्हाट कैन आई से, मतलब ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को इन द फर्स्ट प्लेस पूछना ही नहीं चाहिए ना. सो जस्ट एकदम ऑनेस्टली अपना एग्जाम देना है, तो ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछो कि क्या कॉपी पेस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट. बट यस, एक वर्ड जिस वर्ड डॉक्यूमेंट में आप वर्क कर रहे हो उसी में आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो. दैट इज स्टिल फाइन. बट यस, अगर आप लोग दूसरे कहीं से, ऑब्वियसली दैट्स नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डू. आप लोग एक्सेल से कर सकते हो, बट मेक श्योर आप लोग फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो कि वेयर इज दैट पर्टिकुलर थिंग कमिंग फ्रॉम. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. ठीक है, तो वो आप लोग उसको नहीं इग्नोर कर सकते, द फैक्ट कि आप लोग एक्सेल से कैसे कॉपी करेंगे. एक्सेल में नॉर्मल टेबल जैसे बनाते हो, बना लो, नंबर्स वहाँ पे निकाल लो, कैलकुलेट कर लो एंड कॉपी पेस्ट हो जाएगा. आप लोग ट्राई करो. यू जस्ट सिलेक्ट टुडे इन क्लास आई विल नॉट शो थ्रू एक्सेल बिकॉज मैं पर्सनली एक्सेल वाला चीज नहीं सजेस्ट करती हूँ. आप लोग का अगर आप लोग को कन्वीनियंट लग रहा है आप लोग करो. बट अगेन, अगर आप लोग नहीं दिखा रहे हो कि वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं, देन श्योरली मार्क्स विल बी डिडक्टेड और मे बी यू विल रिसीव अ मेल फॉर प्लेजरिज्म. Right? Okay, so let's start. I will be discussing this paper. I think ये 2015 का paper है. उसमें ये वाला एक sum है, question number 14. Profit testing का ही sum है. So we'll discuss this, how to present it in word. आप लोग को जो भी doubts आ रहे हैं आप लोग hand raise करके मेरे से पूछ सकते हो या फिर chat box में लिख सकते हो. But Vanshika, very irrelevant questions you are asking. I will not answer these questions क्योंकि this will basically risk your entire career अगर आप इतना details में जो मैं से पूछ रहे हो. नहीं मैम, मेरा पूछने का मतलब ये था कि आप जो बोल रहे हो ना एक्सेल में अपने लोग बना सकते हैं, सो अपने लोग उसको कम्प्लीटली कॉपी नहीं करेंगे ना वैसे. मतलब आप जैसे बोले ना अभी कि एक्सेल में अपने बना रहे हैं, मेरा रुक जाओ. वैसे नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि एक्सेल जैसे कि अभी हम जो मैं बनाऊंगी ना टेबल, तो मैं वर्ड में बनाऊंगी. अब आप लोग वही टेबल एक्सेल में बना सकते हो और उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो. बट एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप लोग वो फॉर्मूला कहाँ से, फॉर्मूलाज तो नहीं कॉपी पेस्ट होते वर्ड में, तो आप लोग को वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो इट्स बेटर कि आप एक्सेल वर्ड करो, डायरेक्टली वर्ड में टेबल बना के कर लो. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. ओके, डू नॉट, ठीक है. अब ओके, अभी अगर आप लोगों को किसी को अनम्यूट करो सो जस्ट रेज योर हैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स डिस्कस दिस. काफी लोगों ने मुझे शेयर भी करा है अपना वर्ड फाइल्स. आई हैव सीन थ्रू द वर्ड फाइल्स, मुझे सही लग रहा है आप लोगों का वर्ड फाइल सबका. कुछ कुछ जैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा और वर्किंग अगर आप दिखा सकते हो तो इट्स बेटर कि आप लोग दिखा दो, क्योंकि कहाँ से वो नंबर्स आ रहे पता होना चाहिए, राइट? यू कैन नॉट जस्ट राइट इट. अब जैसे एग्जामिनर्स रिपोर्ट अगर आप लोग फॉलो करो, उसमें बहुत बार ही प्रॉफिट टेस्टिंग में खाली टेबल बना के छोड़ दिया बट बताया नहीं कि वेयर आर दीज वैल्यूज कमिंग फ्रॉम. तो दैट इज जैसे लास्ट टर्म या लास्ट टू लास्ट टर्म के पेपर में
एक समय आया था जिसमें एंडोमेंट अश्योरेंस पे था, प्रॉफिट टेस्टिंग ही था, एंड फॉर 3 इयर्स प्रीमियम कैलकुलेशन था बेसिकली, एंड फॉर 3 इयर्स अब 3 इयर्स का टर्म था जिसे मैं अभी करके मुझे भेजा था, तो उसमें सम अश्योर्ड इज इंक्रीजिंग विद 2% रिवर्जनरी बोनस. तो इन द एग्जामिनर्स रिपोर्ट दे हैव जस्ट मेड द टेबल रिटन द वैल्यूज, वो आप लोग को नहीं करना, वो एग्जामिनर्स रिपोर्ट है, उसमें खाली सोल्यूशन आपको दिया है, वो वैल्यूज कैसे आ रहे हैं वो आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा, है ना. सो दैट इज व्हाट वील डू, जस्ट क्विकली रीड थ्रू द क्वेश्चन एंड वील डू इट इन वर्ड. आप लोग का एक्सेल का ऑप्शन मैं ओपन रख रही हूँ बिकॉज इट्स देयर, जो भी हैंडबुक निकाला है आई फॉर यू उसका भी मैं क्लास कंडक्ट करूंगी, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, वो वीडियो डालूंगी मैं उसका, तो उसमें भी दे हैव रिटन यू कैन डू इट इन आर प्रोग्रामिंग और यू कैन डू इट इन एक्सेल, बट द मेजर कंसर्न इज आप लोग कैसे वो कैलकुलेशन ला रहे हो वो आप लोग को बताना है. अगर आप लोग सिर्फ सिंपली कॉपी पेस्ट करके छोड़ दोगे, विच मेनी ऑफ यू मे डू इट, आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा, प्लस आप लोग को मेल भी आ सकते हैं कि ये वैल्यूज आप कहाँ से लेके आ रहे हो, क्लियर है. तो वो चीज बिल्कुल आपको नहीं करना. सो ओके, लेट्स रीड इट क्विकली, मेरे साथ साथ रीड करो एंड देन वी डू इट, वील सॉल्व इट. आप लोग अपना कैलकुलेटर लेके बैठना, पूरा तो नहीं सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली, वील जस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट करें इन द वर्ड, ठीक है. सो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज, इज देयर एनीवन वेटिंग. A life insurance company issues a 3-year unit linked endowment assurance policy to a life age 58 exact. Under the level premiums hai 3000 are payable annually in advance throughout the term of the policy. The premium allocation rate is given to us 75 plus 20T, where T is these times 0, 1, 2. Why 0, 1, 2? Because starting of the year mein hai. The units are subject to bid offer spread is 5%. AMC is 0.75%. I'm just quickly reading through it क्योंकि आप लोगों ये सब आप लोग बहुत बार कर चुके हो और we just have to deal with how to represent it in word. Management charges are deducted from the unit fund before any death, surrender or maturity benefits. If the policyholder dies during the term, the death benefit of 9,000 or the bid value, whichever is higher. तो यहाँ पे एक अगेन मिनिमम सम अश्योर्ड वाला चीज है कि 9,000 मिनिमम पे करना ही है, और अगर यूनिट फंड ज्यादा अक्यूमुलेट हुए तो वो पूरा यूनिट फंड पे करेंगे. द पॉलिसी होल्डर मे सरेंडर द पॉलिसी ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन द सरेंडर ऑन द सरेंडर. अच्छा, ओ माई स्क्रीन इज नॉट प्रेजेंटेड, क्या सॉरी, दिस वॉज 2015 टर्म का पेपर आप लोगों ने किया ही होगा, आई गेस आप लोगों ने किया ही होगा अपने कंपाइलर में. ओके, चलो तो अभी तक मैंने यही रीड किया, आप लोग क्विकली रीड थ्रू कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है. एक एंडोमेंट अश्योरेंस है, यूनिट लिंक्ड है, 3 ईयर का पॉलिसी है, 3000 इज द प्रीमियम, दिस इज द एलोकेशन रेट, दिस इज द AMC, this is bid offer spread, इतना ही खाली पड़ा है मैंने अभी तक. Surrender can only happen at the end of the year. Minimum sum assured is 9,000. अगर unit fund इससे ज़्यादा है तो हम पूरा unit fund pay करेंगे. On the surrender at the end of the policy year or on survival to the end of the term, the current bid value of the units is payable. मतलब जब भी वो surrender करे, जितना भी हमारा bid value यानी कि हमारा जितना भी unit fund से grow हुआ है, वो हम पूरा उसको पे करेंगे. इज इट व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है. ओके, सो द कंपनी यूजेस द फॉलोइंग अजम्पशन टू कैरी आउट इट्स प्रॉफिट टेस्ट्स. तो ये पूरा दिया हुआ है हमें, रेट ऑफ ग्रोथ ऑन यूनिट फंड ग्रोथ रेट, नॉन यूनिट फंड ग्रोथ रेट, AM92 सिलेक्ट वी आर फॉलोइंग, 10% एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर सरेंडर है कि कितने लोग सरेंडर कर रहे हैं, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ओनली, सो 10% रिस्पेक्टिवली लोग सरेंडर कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सरेंडर दिया हुआ है हमें, इनिशियल एक्सपेंस, रिन्यूअल एक्सपेंस, इनिशियल कमीशन, रिन्यूअल कमीशन एंड रिस्क डिस्काउंट रेट, व्हिच इज द डिस्काउंट रेट व्हिच वी यूज. कैलकुलेट, देखो 13 मार्क्स का है, कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्जिन फॉर द पॉलिसी ऑन द अजम्पशन दैट द कंपनी डज नॉट जीरोइज. तो इसका क्या मतलब है, डज नॉट जीरोइज द फ्यूचर एक्सपेक्टेड नेगेटिव कैश फ्लोज, कोई बता सकते हैं मुझे क्विकली?
यस बोलो। लाइक इट कैन हैव फ्यूचर नेगेटिव कैश फ्लोज, लाइक द नेगेटिव कैश फ्लोज आर नॉट यू नो जीरोइज्ड इन द स्टार्ट इन द सेल. ठीक है, व्हाट एल्स? मतलब क्या नहीं करेंगे तो हम लोग? वी नॉट मेक रिजर्व्स, रिजर्व नहीं बनाए. रिजर्व्स नहीं बनाएंगे, राइट? सिंपल. तो हम लोग को बिना रिजर्व के करना है, वेरी सिंपल. नाउ इफ आई जस्ट गो थ्रू द एग्जामिनर्स रिपोर्ट, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इसको इन्होंने कैसे प्रेजेंट करा हुआ है, लेट मी जस्ट शो दैट टू यू ऑल. देखो, तो अगर आप ऐसा करके आओगे एग्जाम में तो बिल्कुल भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला. सी इन क्वेश्चन नंबर 14, दे हैव जस्ट मेड द टेबल्स, दे हैव जस्ट मेड द टेबल्स. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, जस्ट मेड द टेबल्स एंड लेफ्ट. कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है कि कहाँ से क्या वैल्यूज आ रहे हैं. अगर आप ऐसा करके छोड़, अब आप क्या करोगे? आप एक्सेल में तो ऐसे ही बनाओगे. अगर आप कॉपी पेस्ट करके छोड़ दोगे, आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा. मार्क्स तो चलो ठीक है, नहीं मिलेगा, बट दे विल ऑल्सो सेंड यू अ मेल ऑफ प्लेजरिज्म कि कहाँ से आ रही है सारा वैल्यूज, आपने किसी को कॉपी करे. ठीक है, सो दिस इज वॉट वी हैव टू अवॉइड. तो हम लोग को क्या करना है, देखो, वॉट वी फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट इन दिस सम. This is sum number 14 of April 2015. ठीक है, तो इसमें हम लोग को, एंड दिस इज CT5 का पेपर, उस समय का CT5. ओके, सो सबसे पहला चीज तो हम लोग लिखते हैं आंसर, इफ दिस इज आंसर 10 और वट एवर, एंड देन वी आर सॉल्विंग पार्ट वन. सो आई विल से आंसर, जस्ट आई विल राइट पार्ट वन. बोलो, फर्स्ट थिंग वॉट वी हैव टू फाइंड आउट, यहाँ पे फर्स्ट थिंग वॉट वी हैव टू फाइंड आउट, बोलो जल्दी से. मल्टीपल डिक्रीमेंट टेबल आप लोग जो बनाते हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, खाली इंसर्ट में जाओ. मैंने ये लोन शेड्यूल में आप लोगों को बताया था, जस्ट इंसर्ट. अब मुझे पता नहीं कितना कॉलम कितना रो चाहिए, एक बार के लिए मैंने ऐसे कर दिया. तो मुझे क्या क्या चाहिए? फर्स्ट आई वॉन्ट एज एक्स. क्या क्या यहाँ पे डेक्रीमेंट्स लग रहे हैं? देयर इज ओनली सरेंडर व्हिच इज हैपनिंग, डेट एंड सरेंडर. तो सरेंडर का रेट हम लोग को दे दिया 10%. दैट 10% इज व्हाट? 10% इज व्हाट? इंडिपेंडेंट सरेंडर रेट्स. ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं ज्यादा नहीं करी. खाली हम यहाँ क्या लिखेंगे, QXAM92 सिलेक्ट बोला है. गेस ए QXD है ना, सो QXD आप कैसे लिखोगे? सिंपली राइट इन ब्रैकेट्स डी. और ऐसे मैंने करवाया था कि ऐसे नहीं लिखो तो वो टू दी पार लगता है, ऑल दो इट वॉज रिटन देयर. बट हम क्या करेंगे, जस्ट QXD. क्लियर, ये हो गया हमारा QXD. और अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, QXS. एजेस जो भी दिए हुए, क्या क्या एजेस दिए हुए, 58. एंड हमें ये आप लोग कहाँ से निकालोगे, टेबल बुक से निकालोगे, AM92 सिलेक्ट से. QS इज वॉट 0.1, QS इज वॉट इंडिपेंडेंट रेट. तो ये सबके लिए वही हो जाएगा, ये आप लोग वैल्यूज अगेन एक्सट्रैक्ट कर लोगे टेबल बुक से. ऑल्सो यहाँ पे यू कैन राइट विद इन ब्रैकेट्स AM92, एंड यू कैन गिव द पेज नंबर, एंड यू कैन गिव द पेज नंबर ऑफ टेबल बुक. पेज क्या है टेबल बुक का? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 70 ऑफ टेबल, दैट्स इट. अगर ये करते हो, अगर आप लोग खाली पेज नंबर बता दो, ये भी नहीं बताओ, चलेगा चलेगा. दीज आर द स्मॉल पॉइंट्स, कीप इन माइंड, राइट इट डाउन समवेयर, जो आप लोग को करना है इन एग्जाम. ओके, आई एम नॉट सॉल्विंग, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू डू प्रॉफिट टेस्टिंग, वो सब सॉल्व करेंगे. आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन वर्ड. ठीक है, उस पर ध्यान दो, रिप्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दो, सम पे मत ध्यान दो. So this is 0.1 again, and this is 0.1 again. Clear? और कुछ मुझे चाहिए? नहीं. मुझे एक और अगर रो इंसर्ट करना होता, क्या प्रेस करती? टैब. अपने आप यू विल कम टू द नेक्स्ट रो. अभी नहीं करना, कंट्रोल जी. क्लियर, रुक जाओ, नो क्वेश्चंस राइट नाउ, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स फॉर टाइम बीइंग. ये क्लियर है?
then I will, not get into the flow. आप लोग चैट बॉक्स यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आई विल टेक ऑल द डाउट्स, नो प्रॉब्लम, वी हैव डाउट्स ऑफ क्लासेस. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपने लिख दिया. सो दिस इज बेसिकली द मल्टीपल डेक्रीमेंट टेबल. यहाँ लिख भी दो ना, मल्टीपल डेक्रीमेंट टेबल आप बना लो, सिंपल. नेक्स्ट व्हाट इज द स्टेप? यस शिवम बोलो, क्या बोल रहे हो? हाउ टू इंसर्ट द कॉलम? मैंने बोला था ना, ऐसे आप कर्सर को लेके जाओ प्लस, इधर कर्सर को लेके जाओ, इधर कर्सर को लेके जाओ, देखो प्लस का साइन आएगा. कॉलम एंड डी मतलब हम वो डिलीट, मींस अगर एक्स्ट्रा कॉलम हो गया तो डिलीट कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर्सर को लेके जाओ इधर, देखो एक ये वाला साइन आ रहा है एरो का, ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है. लाइक जस्ट टेक इट इन द मिडल ऑफ द कॉलम, इसके ऊपर कर्सर को, पूरा कॉलम डिलीट का आ जाएगा. सो जस्ट क्लिक ऑन बैक स्पेस, ये पूरा आया, क्लिक ऑन बैक स्पेस, सॉरी मैंने डिलीट में प्रेस करना, बैक स्पेस पे क्लिक करो. बैक स्पेस क्या चला गया? बैक स्पेस करना, डिलीट करने से वो वैल्यू चले जाएंगे. कंट्रोल जी, ये अंडू और रीडू ये हमेशा सही रखना अपना. यहाँ पे शॉर्टकट्स में अंडू एंड रीडू अगर नहीं आता तो इधर देखो कस्टमाइज क्विक एक्सेस और यहाँ पे अंडू और रीडू ऐड कर लो. ये हो गया मेरा मल्टीपल डिक्रीमेंट. क्या इधर मुझे कुछ और दिखाना था? नहीं, बट इसके आगे भी तो कुछ बनेगा, इसके आगे भी तो कुछ बनेगा. ये तो खाली इंडिपेंडेंट रेट्स है, ये तो खाली इंडिपेंडेंट रेट्स है. नेक्स्ट क्या बनाने हमें, कौन बताएगा? डिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंस वाले बना दो. चलो यहाँ पे इंसर्ट करना है ना, ऐसे इंसर्ट करते जाओ और डिपेंडेंस वाले बना दो. इसके बाद व्हाट डू वी नीड? ए क्यू एक्स टी, कैसे लिखेंगे ए क्यू एक्स टी? ए क्यू ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो ए क्यू एक्स एंड डी को अगेन यू कैन राइट इट इन ब्रैकेट, सिंपल. या फिर आप ए क्यू एक्स भी लिखोगे तो चलेगा, जैसे कि मैं यहाँ दिखा देती हूँ करके ए क्यू एक्स. देखो ये कैपिटल ए हो गया अपने आप, कंट्रोल जी करो, स्मॉल ए हो गया. जैसे वो कैपिटलाइज हो कंट्रोल जी, कंट्रोल जेड मतलब. हाँ थ्योरी में यू कैन डायरेक्टली मेक देम, मतलब बोल रहे हो कि ये दोनों कॉलम्स नहीं बनाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, ये दोनों कॉलम्स नहीं बनाएंगे. सी यू कैन रिमूव, यू कैन नॉट, आप नहीं बनाओगे चलेगा, बट मेरे ख्याल से इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक इट, मेरे ख्याल से इट्स बेटर टू मेक इट, क्योंकि आपके हर एक कॉलम में भी दिस कॉलम कंटेन्स 0.5, दिस कॉलम कंटेन्स 0.5, हु नोज, यू विल लूज आउट दैट मार्क्स. ठीक है, इट विल नॉट टेक, अभी जैसे मुझे आप लोग को एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है ना, बट आपको कितना ही टाइम लग जाएगा आपको इस एक और ऐसा बनाने में? 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा. ये वैल्यूज भी आप टेबल बुक से निकाल के लिख दोगे इधर, तो आपके सामने रहेंगे वैल्यूज. यस यू कैन यूज इक्वेशन एडिटर से बेटर है जयदित्य, ऐसे करो ना ए क्यू, ठीक है, एक्स इज इन सबस्क्रिप्ट, तो कंट्रोल माइनस कंट्रोल इक्वल टू, कंट्रोल इक्वल टू ये हो गया एक्स, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू मतलब कंट्रोल शिफ्ट प्लस, बेसिकली आपका इधर आ गया एस, आपका इधर आ गया एस, ठीक है. हाँ कर सकते हैं जयदित्य, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये भी देखो दिखने में अच्छा ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग वैल्यूज निकाल लोगे. चलो ए क्यू एक्स डी कैसे निकालेंगे, ए क्यू एक्स डी कैसे निकालेंगे? इट विल बी सेम एज दिस क्यू एक्स डी, क्योंकि यहाँ पे और कोई डेक्रीमेंट नहीं है, तो यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट. सपोज यहाँ पे आई एम राइटिंग अ फ्यू वैल्यूज, सपोज यहाँ पे आई एम राइटिंग अ फ्यू वैल्यूज 00466, ऐसे रैंडम लिख रही हूँ, अभी बोल मत देना कि मैम आप कुछ भी लिख रहे हो, मैंने बोल भी दिया रैंडम लिख रही हूँ, एंड मे बी 0.088, ज्यादा तो नहीं, 77, ठीक है.
अब मैं क्या करूंगी, खाली सिंपली क्यों पूरा लिखना है वापस से, कॉपी पेस्ट करने, खाली कॉपी करा पेस्ट कर दिया इधर, क्यों वापस टाइप करूं मैं AQX, ये कैसे निकालोगे? अब ये बताना पड़ेगा कि ये आप लोग कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो या तो कंट्रोल शिफ्ट वापस से प्लस करना पड़ेगा नॉर्मल करने के लिए, या आप लोग कैसे निकालोगे बताओ, ये आप लोग कैसे निकालोगे, 1 minus this, या फिर एक और कॉलम बीच में इंसर्ट कर दो APX का, 1 minus this जो भी आया उसका 10%, सही बोला ना मैंने? तो what I'm doing is 1 minus ये पूरा, ये वाला पूरा 1 minus ये देखो। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इसमें कितना टाइम निकल जाएगा, हम लोग कैसे वर्ड में करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। द टाइम विच दे अलॉट यू विच इज 3 hours, अभी 20 minutes कर दिए, 3 hours 15 minutes नहीं है क्योंकि 5 minutes is for upload, उसका मैं क्लास में बताऊंगी। तो दैट टाइम विच यू आर गेटिंग द 3 hours 15 minutes, that is more than enough to complete entire paper in word. उन लोग छोटा करके देंगे आप लोगों को, समझ, टेंशन का बात बिल्कुल भी नहीं है। How to add a column? अंशुल ये क्या बोल दिया, मैंने अभी तो दिखाया था प्लस। तो ये करके दिस पूरा को ऐसे आप करो, पूरा का ब्रैकेट्स लो एंड यहाँ पे एक चीज आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई के लिए आप लोगों को क्रॉस यूज करने करो या फिर आप ये वाला यूज करो, क्योंकि CM1 में एक्स काफी जगह यूज होता है ना, तो आप लोग एस्ट्रिक्स यूज करोगे तो बेटर रहेगा। एंड दिस इंटू QXS। अब कोई कोई लोग बोलेंगे कि हम लोग को सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट करना है, आराम से बिंदास यूज करो, नो प्रॉब्लम। देखो ठीक है, गेट इनटू दैट हैबिट। क्लियर हो रहा है? आप ढंग से प्लेस नहीं कर रहे हो अंशुल, इसीलिए नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ये डाउट मैं आपका बाद में भी देख सकती हूँ। और वी कैन यूज अंडरस्कोर, ओके, बट QX के लिए अंडरस्कोर नहीं यूज करना, आई थिंक इट्स फाइन, मतलब अगर आप नहीं यूज करोगे तो बेटर रहेगा ये, ठीक है। चैट बॉक्स में लिखो जो भी और डाउट्स आ रहे हैं। So basically this is how you will calculate and you will now put in the values. Now examiner knows आपका value कैसा है, this is one thing. Second thing is you can give the names to each column. जैसे ये column का नाम हो गया 1, ये column का नाम आपने दे दिया इधर 1 bracket में, इस column का नाम दे दिया 2, 3, 4, 5, तो अब ये 4 कहाँ से आ रहा है, 1 minus 3, 1 minus 4 into 3, वैसे करके, क्लियर है, वैसे भी कर सकते हो, दैट इज वन ऑप्शन विच आई हैव गिवन यू। थर्ड ऑप्शन इज यहाँ पे कैलकुलेट फर्स्ट रो करके दिखा दो, हाउ इज द फर्स्ट रो कमिंग, कैसे आ रहे हैं, 1 minus this value मल्टीप्लाइड बाय 0.1, दिस ऑप्शन यू कैन डू, दिस इज द थर्ड, लाइक मैं सजेस्ट करूंगी ये ऑप्शन नहीं करने का, आप कर सकते हो बट दीज फर्स्ट टू ऑप्शन आर बेटर, ये करना या फिर आप लोग कॉलम नंबर्स देके कॉलम नंबर्स यूज करना, जैसे इसको मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 3 दे दिया एंड सो 2 दे दिया, 3 दे दिया एंड फिर उसको एक्सप्लेन करें कि ये कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाओ, क्या लिखोगे, दिस इज कॉलम नंबर 3, 4, दिस इज कॉलम नंबर 5, सो व्हाट इज कॉलम नंबर 5, दिस इज कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 4 इंटू कॉलम नंबर 3, सिंपल, ये आई थिंक बेटर है, ये आई थिंक बेटर अप्रोच है, नीट भी लग रहा है, ये वाला करो। यू कैन राइट दैट, व्हाट एल्स यू कैन डू इज यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सबको रीनेम कर दिया, अब टेबल के नीचे लिख रहे हो कि 5 वाला रो क्या रिप्रेजेंट करता है, हाउ इज 5 कैलकुलेट, 5 वाला कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो कुणाल मैंने बोला कि अगर आप एक्सेल में टेबल बना रहे हो तो भी तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सेल से कॉपी पेस्ट करोगे तो उसमें फॉर्मूलाज नहीं आएंगे, दैट इज द रीजन आई एम नॉट डूइंग इट इन क्लास,
बिकॉज आई डू नॉट फेवर दैट अप्रोच, क्योंकि मुझे मालूम है 10 बच्चों में से 5 बच्चे गलती करके आएंगे, नई स्टेप्स सिखाएंगे, खाली एक्सेल से कॉपी पेस्ट करके आ जाएंगे. आई नो दैट. ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स. ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट AQS, AQX के बाद हम लोग को क्या चाहिए? APX. तो APX क्या हो जाएगा? APX क्या हो जाएगा? 1 माइनस AQXS, AQXD. अगेन यू कैन क्रिएट कॉलम नंबर 6 यहाँ पे लिख सकते हो. सो बेसिकली दिस इज APX. ठीक है, ये APX का कॉलम बन रहा है हमारा. APX का कॉलम बन रहे हैं. नाउ यू कैन डू इट जो मैंने फर्स्ट दो तरीका बताया, 1 माइनस दिस ये कर सकते हो, या फिर दिस इज कॉलम नंबर 6, ऐसे लिखते हो 6 इक्वल टू 1 माइनस कॉलम नंबर 4 एंड 5. इंटायरली अप टू यू. ठीक है, 1 माइनस APX का बनाना तो वो भी बना सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड. APX का बना दिया तो वो छोड़ सकते हो APX बना के. एक और बनाते हैं हम लोग फॉर प्रॉफिट सिग्नेचर. हम लोग को क्या बनाना होता है? APX T माइनस 1 APX. देखो बहुत जगह लिखा हुआ रहता है, आई थिंक इसमें भी लिखा हुआ है, यहाँ ये वाला कॉलम, विच इज व्हाट प्रॉफिट सिग्नेचर के लिए जो यूज करते हो आप लोग. अगर आप यहाँ बना के रख रहे हो ना, देन लेटर ऑन व्हेन यू मेक द प्रॉफिट सिग्नेचर यू कैन राइट यूजिंग कॉलम 6 या 7, वट एवर इट इज. कॉलम नंबर से के रखोगे ना बहुत सही से होगा. You can write using column number 7. Is it clear? कैसे बनेगा ये पूरा multiple decrement? अभी मुझे समझाने में time लगा. It will not take more than 5 minutes. 5 minutes तो लगेगा ही. वो तो anyway लगेगा. 5 minutes तो लगेगा ही. सब कुछ का बोल रही हूँ, calculation and everything के साथ 5 minutes लगेगा. नहीं कर सकते Divyansh use. I've said multiple times कि Excel spreadsheet को you cannot insert in Word. You cannot do that. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद यूनिट फंड टेबल. तो हम यहाँ पे तो दो तीन ऑप्शन जो मैंने दिखाया, मेरे ख्याल से आई थिंक ये लिखना बेटर रहता है आप लोग के केस में. कॉलम नंबर्स दे दिया, या किसी को ये लिखना है ये लिखो, किसी को फर्स्ट रो का खाली एक्सप्लेन कर देना कैलकुलेशन कैसे है, वैसे कर सकते हो जो मैंने नोट शेड्यूल में भी करवाया था लास्ट क्लास में. अब आप लोग यूनिट फंड टेबल बनाओगे. अगेन अ टेबल, अगेन मुझे मालूम नहीं. अब मैं दो तरीके से टेबल आप लोग देखोगे. एक होता है हम लोग ईयर्स लेते हैं रोज में. आप लोगों ने जैसा थ्योरी में करा है कॉपी में, रोज में आपने ईयर्स लिए है ना, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, वैसे करा है रोज में. बहुत जगह रोज कॉलम्स में ईयर दिए हुए रहते हैं, दैट समटाइम्स लुक नीट, क्योंकि आप लोग का 3 या 4 ईयर्स से ज्यादा आएगा नहीं, 3 या 4 ईयर्स से, तब कॉलम में ईयर्स ले गए, क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे कॉलम्स बन जाएंगे तो एक जगह पूरा में फिट होगा नहीं. बहुत नॉन यूनिट फंड तो फिर भी फिट हो जाएगा, नॉन यूनिट फंड में बहुत सारे कॉलम्स बन जाएंगे. सो इट्स बेटर यू इनवर्स दैट एंड कॉलम्स में आप ईयर ले लो एंड रो वाइज कैलकुलेशन करो. दिस इज व्हाट आई विल फॉलो. थ्योरी में भी आई यूज टू डू दैट समटाइम्स, क्योंकि एक पेज में तो आपका एनी वे, अगर आप थ्योरी में भी पेपर में लिख रहे हो तो एनी वे एक जगह पे पूरा यूनिट फंड नहीं फिट होता है इफ यू हैव अ A4 शीट. करेक्ट है ये चीज. बहुत जन उल्टा करके करते हैं, विच आई डोंट प्रेफर, क्योंकि ऐसे भी IFO में भी यूज टू गेट रूल्ड पेपर्स मिलते थे, तो उसमें आप घुमा के करोगे तो बहुत अजीब लगेगा. सो इट्स बेटर आप जो अभी मैं दिखाऊंगी, आई ऑलवेज गिव यू द सिंपलर एंड ईजी लुकिंग अप्रोच. अगेन मुझे नहीं मालूम, आई एम जस्ट यू नो सिलेक्टिंग अ फ्यू कॉलम्स एंड रोज जितना भी मुझे चाहिए. सो आई एम डूइंग कॉलम वाइज. 3 साल है, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3. दिस विल लुक बेटर. क्यों? अब आप लोग को बहुत सारे कॉलम्स में एक में फिट, फिर आपको सेकेंड लाइन जाना पड़ेगा, फिर आपको सेकेंड लाइन, बहुत केओस हो जाएगा. उतना केओस का जरूरत नहीं है. सो वॉट इज द फर्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड? वॉट इज द फर्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड? प्रीमियम डालते हो क्या कि सीधा कॉस्ट ऑफ एलोकेशन डालते हो? कैसे करते हो? थ्योरी में एलोकेटेड प्रीमियम करते हो. सो पहले आप लोग शायद प्रीमियम करते हो कि एलोकेटेड प्रीमियम करते हो डायरेक्टली? आई डोंट. एलोकेटेड प्रीमियम करते हो, अगर एलोकेटेड प्रीमियम कर दो, उसके बाद एलोकेटेड प्रीमियम के बाद बिड ऑफर स्प्रेड करते हो. तो ऐसे करके सारा नेम्स दे दो, सारे नेम्स दे दो. ठीक है,
नाउ अब यहाँ पे भी फॉलो वन थिंग, अगर आप यहाँ पे कॉलम नेम्स 1, 2, 3, 4 करके कर रहे हो एंड इट इज कमिंग अप टू 6, दिस इज द 6th कॉलम, सो मेक श्योर अगर आपको इसको नंबर देना है तो इसको आप 7 नंबर दो. Do not give this as one, क्योंकि फिर आप लोग कभी रेफर नहीं कर पाओगे. वन, दो वन नहीं हो सकते, एक ही वन हो सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रही हूँ? एक बार थम्स अप दिखाओ मुझे कि अगर मैंने इधर कॉलम नेम्स दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, this should be, this entire row should be 7th. क्योंकि फिर बाद में if you want to refer to column 2 या column 3, you will not be able. Now you can. And then गौरजन करते हैं कि एकदम डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग जस्ट पुट इन द वैल्यूज कैलकुलेट करके कैलकुलेटर में एंड लास्ट में बिलो द टेबल जैसे आप लोगों ने थ्योरी में करा होगा व्हाट डज रो 7 रिप्रेजेंट, रो 8, रो 9, रो 10, जैसे आप लोगों ने कॉलम वाइज के यहाँ पे आप रो वाइज लिख सकते हो. 7 = 8 = 9 = सो वहां पे आप लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हो. क्लियर? आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, आप लोग कर सकते हो. एलोकेटेड प्रीमियम, अच्छा पूरा कैसे दिखाएंगे मैं एक करके दिखा देती हूँ. एलोकेटेड प्रीमियम हम कैसे निकाल, एक प्रीमियम का भी कॉलम आई थिंक बनाने से सही रहता है, आई थिंक बनाते ही हो थ्योरी में, ठीक है. अगर प्रीमियम को कोई रो नंबर नहीं देना तो चलेगा, पर देना है तो 7 दे सकते हो, नहीं भी देना तो चलेगा. दिस इज 8, प्रीमियम इज कंसिस्टेंट 3000. यूनिट्स अगर आप लोग को नहीं लिखना है यहाँ पे आप लोग लिख दो इन पाउंड्स. कैसे करोगे इन पाउंड्स? सिंबल में जाके, पाउंड्स का सिंबल ऑलरेडी मैंने सिखाया है, इन पाउंड्स. आप लोग कहीं भी और लिखने का जरूरत नहीं है, कहीं भी और लिखने का जरूरत नहीं है, बार बार पाउंड्स पाउंड्स पाउंड्स, ठीक है. तो ये आप लोगों ने क्या करा, सब जगह कॉपी पेस्ट कर दिया. अब आप यहाँ क्या करेंगे, यू कैन जस्ट सिंपली डू द कैलकुलेशन इफ यू वॉन्ट टू एंड एट द एंड यहाँ पे you can show that row number 8 what is represents row number 7 into kya hota hai, kya value diya hua hai aapke question mein, allocation date is given, allocation date is given. To aap log yahan kaise likhoge allocation rate, आप लोग देखो कैसे समझाना पड़ेगा. एलोकेशन रेट तो लिख दिया, फिर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा हमें कि एलोकेशन रेट फॉर योर पी इज, पूरा ये चीज लिखना पड़ेगा, 70 + 20 P. देयर पी is equal to 0, 1 and 2. ये तो आप लोगों ने लिख दिया, पर यहाँ पे तो year आपने 1, 2, 3 लिखा है, तो आप क्या करोगे, एक को करके दिखा दोगे. So for example, या फिर so for year 1, it will be how much? 3000 into, देखो करना तो पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, 220 into 0, yeah, yes or no? So basically it's 70% of 3000, this percent. So 70% of 3000 kitna aata hai? Theek hai? This is how you have to show it. Can we use dollar? Arey, agar pounds diya hai to dollar kaise use kar loge? क्वेश्चन में जो दिया वही यूज कर सकते हैं, चेंज कैसे कर दोगे करेंसी को? यस यू कैन मेक अ रो फॉर एलोकेशन रेट आल्सो, बट आई विल नॉट सजेस्ट डूइंग दैट, आई विल नॉट सजेस्ट डूइंग दैट, क्योंकि वो यूनिट फंड के अंदर नहीं आ रहा ना, मतलब यूनिट फंड टेबल शुड बी कंसाइज जैसा होता है. ये कैलकुलेशन तो आपने वर्किंग्स में तो दिखाई थी, हाँ एक का दिखा रही, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बुद्धू तो नहीं हो इतने. यहाँ पे भले ही आप लिख सकते हो ब्रैकेट में t = 0, t = 1, t = 2, तो एग्जामिनर ठीक है, पर इतना तो नहीं करना है, इतना समझ में आ जाएगा, इतना भी बुद्धू नहीं एग्जामिनर, ठीक है. तो
एलोकेशन एलोकेटेड प्रीमियम हो गया बिड ऑफर स्प्रेड. अगेन दिस इज रूल नंबर 9. बिड ऑफर स्प्रेड क्या होता है? एलोकेटेड प्रीमियम इनटू 1 माइनस बिड ऑफर. अगेन वो भी बहुत बार बहुत सारे इयर्स के लिए अलग होते हैं. सो व्हाट एल्स यू कैन डू इज डायरेक्टली कैलकुलेशन यही दिखा दो. जैसे यहाँ जो आपका वैल्यू आ रहा है दैट वैल्यू इनटू 1 माइनस जो भी एलोकेशन, क्योंकि होता है ना ईयर 1 के लिए हमेशा अलग होता है बाकी इयर्स के लिए अलग होता है. तो उस केस में ईयर 1 का अलग दिखाओ, ईयर 2 का अलग, ईयर कुछ नहीं करना होगा. यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ रहा है ना 2250 जस्ट कॉपी पेस्ट करो ना, कॉपी करा इधर पेस्ट करा इनटू 1 माइनस व्हाटएवर इट इज. हमारे केस में इट्स 5% कॉमन, अगर नहीं है सो जस्ट 5% इक्वल टू वैल्यू लिख दो. यस और नो? ठीक है, अब बस वापस से इसको कॉपी करके जस्ट कॉपी पेस्ट इट यहां से एंड यू कैन डू इट. सो आपका बिड ऑफर स्प्रेड हो गया. देन यू हैव फंड एट द एंड स्टार्ट ऑफ द ईयर, फंड एट द एंड ऑफ द ईयर बिफोर एएमसी, फिर एएमसी. एएमसी इज गिवन इन द क्वेश्चन, उसमें तो कुछ भी नहीं है, जस्ट राइट एएमसी वाला कॉलम. फंड एट द एंड, नाउ फंड एट द एंड इज फंड एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर एएमसी क्या हो गया? फंड एट दिस जो आपका बिफोर एएमसी आया था माइनस एएमसी करके दिखा दोगे. अगेन यू कैन इंसर्ट कॉलम नंबर्स यहां पे. I'll just show it to you through this particular table. जैसे कि यहाँ देखो year 1, year 2, year 3 है ना. तो यहाँ क्या कर सकते हो आप लोग, जैसे इन्होंने क्या किया है कि वैल्यू यूनिट्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ऐसे हम नहीं करते, ये हमारा तरीका नहीं है, हम अपने तरीके से यूज करेंगे. एलोकेशन आ गया, बिड ऑफर स्प्रेड आ गया, फिर आया यूनिट्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. तो यूनिट्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ये वाला तो 112.5 ही रहेगा. फिर यूनिट्स एट द, अब इसमें आप टेबल के अंदर में कैलकुलेशन करके यू कैन शो सिंपली. सेकेंड ईयर का क्या होता है? ऊपर वाला 142 प्लस यूनिट फंड एट द एंड ऑफ द ईयर, ये होता है ना. तो आप लोग वैसे यूज करके दिखा सकते हो कि वो प्लस करें, या यहाँ पे यूनिट फंड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ये वाला तो सिंपली ये वैल्यू रहते हैं. व्हाट इज द वैल्यू कमिंग एज? 2137. एक्चुअली मैंने इसको ऐसे कर दिया, बट बिड ऑफर स्प्रेड शुड बी ओनली 5%. मैंने डायरेक्टली कर दिया कॉस्ट ऑफ एलोकेशन. तो आई थिंक समथिंग अराउंड दिस इज कमिंग. एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, ये आ रहा है. सेकेंड ईयर में क्या होता है? दिस प्लस यूनिट फंड जितना अक्यूमुलेट हुआ है ना एट द एंड, दिस इज यूनिट फंड एट द स्टार्ट, दिस इज यूनिट फंड एट द एंड बिफोर एएमसी, दिस इज योर एएमसी यूनिट फंड आफ्टर एएमसी. Just see how I am doing it. I'm not typing it again and again. So again, आप लोग इसको 9, 10, 11, 12 column numbers देना दे दो. Now यहाँ का value क्या होगा? यहाँ वाला value will be जो आपका आ रहा है unit fund plus this thing, plus this thing, yes or no? तो यहाँ पे आप लोग एक चीज कर सकते हो. If this is your कॉलम 10, दिस इज 11, 12, दिस इज 13. तो ना जैसे यहाँ पे देखना, अगर आपको फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो मुझसे पूछना. कॉलम 10 इज व्हाट? कॉलम 10 इज व्हाट भी बता सकते हैं. ये मेरा ये वाला वैल्यू कहाँ से आया? दिस वॉज कमिंग एज 112.50. सो दिस माइनस दिस बेसिकली कॉलम 8 माइनस कॉलम 9 करेक्ट है. कॉलम 11 देखो, कॉलम 11 यहाँ पे टी लिख सकते हो फॉर योर टी. एक टी लिख दिया मैंने इधर, एक टी लिख दिया देखो, बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द योर टी. अब इसमें क्या करते हैं ना, सॉरी हाँ कॉलम 10 ही होना चाहिए था. यहाँ पे मुझे लिखना है, एक मैंने इधर टी लिखा,
So T means your. I guess ये भी एक अप्रोच यू कैन डू. अदरवाइज आप लोग को जैसे आप लोग को अगर दिखा के करना है पूरा पूरा कैलकुलेशन वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दिस प्लस कॉलम 13 प्लस यहाँ पे टी माइनस बन जाएगा. इज इट क्लियर? देखो समझा मैंने क्या किया है, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू होगा, सपोज दिस वैल्यू इज कमिंग एज 2 एंड चेकिंग द सॉल्यूशन एंड डूइंग इट एक बार, तो यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस 9 प्लस दिस पहले वाले साल का, तो वो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया. So now you can say for year 2 you can show कैसे आया value. और अगर आप लोग को इतना मेहनत नहीं करना, आप लोग directly यहाँ पे calculation दिखा के equal to करके जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया करके दिखा सकते हो, whatever approach you feel like. अगर year 2 के लिए दिखा दोगे year 3 का दिखाने का जरूरत नहीं है. Year 1 का क्योंकि अलग है, year 2 का 3 का सेम है, तो 2 3 में खाली 2 दिखाओ चलेगा, तो वो समझ में आ जाएगा कि year 3 का भी सेम है और year 1 का खाली करके दिखा दो, तो year 1 एंड 2 का खाली करना पड़ेगा. Whatever calculation in that specific row is changing, वो खाली आप लोग को फोकस करके दिखा देना. क्लियर? पूरा यूनिट फंड ऐसे बन जाएगा. कोई भी डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट मूविंग टू नॉन यूनिट फंड. अब देखो नॉन यूनिट फंड इज अगेन पूरा हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, अनएलोकेटेड प्रीमियम. अब ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूएशन. ये 13th कॉलम है तो वो 14th कॉलम हो गया और रो हो गया. ये कैसे आ रहा है आपका, प्रीमियम माइनस आपका 8 माइनस 9, प्रीमियम माइनस 8 सॉरी वैसे आ रहा है, तो 7 माइनस 8 लिख दिया उधर इस कॉलम में, 7 माइनस 8 लिख दिया. स्ट्रेट ऑफ यू स्टार्ट डूइंग इट. Then bid offer, हाँ bid offer spread को आप लोग add करते हो तो वहाँ पे लिख दिया. bid offer spread के लिए अलग से column बनाने का 9 है, तो उसको वहाँ पे भी just write bid offer spread, उसको 14 लिखने का जरूरत नहीं है. Like यहाँ पे AMC is column number row number 12, तो वहाँ पे वापस से लिखते हो ना non unit fund में AMC, तो वहाँ पे अलग से you don't have to mention that number, you can use 12 only or you can just leave it blank. Not required. So understood है कि वो वाला कॉलम है. फिर एक्सपेंसिस का कैलकुलेशन कैसे आया वो भी पूरा बताना पड़ेगा. अब एक्सपेंसिस में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आपका इनिशियल एक्सपेंस है, रिन्यूअल एक्सपेंस है, कमीशन आई थिंक इधर नहीं है, कमीशन नहीं है क्या? कमीशन अगर है तो अलग से दिखाएंगे इस केस में. हाँ तो कमीशन और एक्सपेंसिस वी शो इट डिफरेंटली. ठीक है, तो एक एक्सपेंसिस का कॉलम बनेगा, एक कमीशन का बनेगा. व्हाट आई विल प्रेफर इन दिस कॉलम, व्हाट आई विल प्रेफर इन दिस रो इज दैट जब आप दिखा रहे हो ना इनिशियल कमीशन को, तो इनिशियल जैसे यहाँ पे खाली आपने एक्सपेंस लिख दिया, शो हाउ इनिशियल एक्सपेंसेस कमिंग. इनिशियल एक्सपेंसेस व्हाट 275 लिख दो, उसमें कुछ भी नहीं दिखाना. उसके बाद 70 70 70 कुछ भी नहीं दिखाना. इधर यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट एंटायर रो विदाउट डूइंग एनीथिंग. इनिशियल कमीशन इज 5% ऑफ द फर्स्ट प्रीमियम, तो आप लोग करके दिखाओगे 5% इंटू 3000 इक्वल टू हाउ मच, देन 2% इक्वल टू 3000 हाउ मच. अब जो भी वो वैल्यू आ रहे हैं 600 बाई 600 600 आप लोग को लिख देना 60 60. क्लियर है? क्योंकि ईयर वन का इट इज 5%, तो 5% ऑफ 3000 इक्वल टू जो भी आ रहे लिख दिया. यहाँ पे year 2 में 2% of 3000 जो आ रहे हैं 60, वही यहाँ पे लिख दिया 60. तो यहाँ कैलकुलेशन दिखाने का जरूरत नहीं है, और फिर टेबल के नीचे उसको अब क्या जरूरत है, आपने जब इधर लिखा दिए तो. ठीक है, कमीशन का हो गया. देन वी हैव इंटरेस्ट. अगेन इंटरेस्ट का अगर आप लोगों को नीचे दिखाना है नीचे दिखा सकते हो. एलोकेटेड अनएलोकेटेड प्रीमियम माइनस एक्सपेंसिस माइनस कमीशन इनटू द इंटरेस्ट रेट व्हिच इज गिवन व्हिच इज कांस्टेंट, जिसे रो नंबर्स का यूज करके हमने किया है. एक्स्ट्रा डेट कॉस्ट कैसे करें, यहाँ पे आप लोग को एक एक्सप्लेनेशन नीचे में देना पड़ेगा. सपोज दिस इज रो नंबर 20, तो आप लोगों को नीचे लिखना है रो नंबर 20 कैसे आ रहे हैं. मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 9000 था क्या, मिनिमम ऑफ 9000 और द यूनिट फंड्स, एंड फिर यू हैव टू
शो हाउ द कैलकुलेशन इज कमिंग, पहला रो का दिखा दो एंड इन टू ए क्यू एक्स, ये होता है ना ए क्यू एक्स डी, तो वो पूरा आप लोग को दिखाना पड़ेगा कि मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ 9000 और द यूनिट्स यूनिट वन ग्रोन टिल नाउ मल्टीप्लाइड बाय योर ए क्यू एक्स एस. फॉर एग्जाम्पल फॉर ईयर वन एक ईयर का करके दिखा दो, दैट्स इट एंड इट विल बी अंडरस्टूड कि बाकी आप लोगों ने कर लिया. इट्स बेटर टू डू इट दिस वे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है. अगर आप लोग सबका अलग अलग दिखाना चाहते हो विद इन द रो यू कैन डू दैट, डू दैट. खाली एक का ही करो आई विल सजेस्ट, पर इसमें क्या है ना कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ 9000 दे दिए तो सब जगह जरूरी नहीं है. इस वाला में 9000 हमें नहीं पे करना पड़ेगा, इस वाले में जितना यहाँ पे एलोकेट हुआ है उतना ही है, तो यहाँ पे इसीलिए ये वैल्यू नहीं आएगा. सो यू हैव टू शो इट सेपरेटली नीचे में कॉलम के टेबल के नीचे में दिखा दो मिनिमम ऑफ दीज टू, ऐसा आप लोग कुछ ऐसा लिख सकते हो. देखो मिनिमम ऑफ 9000 कॉमा मिनिमम ऑफ 9000 माइनस यूनिट फंड, ये आपका कॉलम नंबर कितना था यूनिट फंड वाला 13, सो यू कैन राइट माइनस 13, समझ रहे हो. मिनिमम ऑफ दिस और जीरो मल्टीप्लाई बाय आपका वो वाला कॉलम ए क्यू एक्स वाला, या फिर आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो ए क्यू एक्स डी. क्लियर है? देन शो इट फॉर ईयर वन एंड शो इट फॉर ईयर थ्री ऑल्सो, शो इट फॉर बोथ द ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल ईयर वन इज दिस, ईयर टू इज दिस, और अगर आप लोग को यहीं पे दिखाना है आप लोग यहाँ पे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. कैलकुलेशन इट्स बेटर आई थिंक इस वे से भी करना क्योंकि इससे एक एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा एग्जामिनर को, बिकॉज दिस कॉलम विल बी ऑफ 1.5 मार्क्स, दिस रो विल बी ऑफ 1.5 मार्क्स. इस केस में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है बिकॉज मैच्योरिटी के टाइम पे वी आर पेइंग द यूनिट फंड ओनली एंड देर आर नो क्लेम एक्सपेंसिस हैपनिंग, तो कुछ भी नहीं आएगा उधर. क्लियर? ओके, सो प्रॉफिट वेक्टर, अगेन प्रॉफिट वेक्टर तो आप लोग बेस्ट रहते हैं कि आप रो नंबर दे दिया आपने एंड देन आप बता रहे हो प्लस माइनस करके. देन प्रोबेबिलिटी इन फोर्स, हमने मल्टीपल डिक्रीमेंट में यहाँ पे कॉलम नंबर 7 बनाया ही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रेफर टू 7, कॉलम 7. देन यू कैन गिव द वैल्यूज. प्रॉफिट सिग्नेचर कैसे आ रहे हैं? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसमें कुछ नहीं लिखना. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट कितना परसेंट है? 6% है, 6% लिख दिया एंड देन जस्ट कैलकुलेट. इसमें कुछ भी नहीं करना. एक्सपेक्टेड पीवी कैसे आ रहा है मल्टीप्लाई करके, जस्ट दिस. ये आ गया टोटल एनपीवी क्या आ रहा है, सारे इयर्स को प्लस करके आपका आ गया टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. उसके बाद आप निकाल रहे हो ईपीवी ऑफ प्रीमियम, इसका भी ऑब्वियसली टेबल बनेगा. ये आप लोगों ने ले लिया प्रीमियम सिग्नेचर. प्रीमियम सिग्नेचर कैसे निकाले ये आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं लिख सकते. तो प्रीमियम का कॉलम आप लोग अवॉइड कर सकते हो, डायरेक्टली प्रीमियम सिग्नेचर का कॉलम बनाओ मल्टीप्लाइंग विद. किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एपीएक्स से. तो वो दिखा दो यहाँ पे कि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो. अगेन डिस्काउंटिंग फैक्टर एक्सपेक्टेड एंड फिर प्रॉफिट मार्जिन. ये पूरे का यहाँ पे 13 मार्क्स, यू विल बी मे बी अलॉटेड 15-16 मार्क्स क्योंकि यू आर टाइपिंग इट इन वर्ड. बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. दिस एंटायर सम व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विल टेक यू हाफ एन आवर. फर्स्ट टाइम करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, हाफ एन आवर लगेगा, फिर मे बी आप लोग 25 मिनट्स में 20 मिनट्स में भी खत्म कर सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन अगर देखो तो ज्यादा है नहीं. इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटिंग. तो कुछ कुछ छोटा छोटा चीजें जैसे एक्सपेक्टेड डेथ कॉस्ट समझाना है, बाकी यू कैन डू इट दैट वे. फिर एक एलोकेशन रेट वाला समझाना था, ये दो चीज समझाना था अलग अलग से, बाकी तो आप टेबल के अंदर भी डाल सकते. ठीक है, सेकेंड कॉलम आई एम नॉट डूइंग, सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट इज सिंपल. बट मेजरली द मेन थिंग विच आई वॉन्ट टू डिस्कस इज जो भी आप कर रहे हो यू हैव टू प्रेजेंट इट कि आपको आता है वो. आपने ऐसे नहीं कि कहीं से भी लिख दिया वो वैल्यूज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है,
ऐसा टेंशन नहीं है. एवरी लाइक ऑल्टरनेट डे और टू थ्री डेज के गैप में आई विल बी कीपिंग वर्ड की क्लासेस अब से, क्योंकि अब आप लोग को ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है. अब हम लोग इस पे वर्ड पे एंड इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट भी कर सकते हैं. सो वी हैव क्लासेस, यू ऑल कैन डिस्कस योर डाउट्स. आप लोग जो भी घर पे प्रैक्टिस करो एंड थोड़ा भी माइन्यूट सा भी डाउट है, क्लास में डिस्कस करने से क्या है, इफ नेहा इज हैविंग वन डाउट, यू ऑल कैन यू नो यू ऑल विल अंडरस्टैंड कि हाँ मेरा भी हो सकता था ये डाउट, तो आपको उसी समय क्लियर हो जाएगा. ओके, किसी और को कुछ पूछना है अभी करंटली? यस कुणाल मैम, वो एक्सेल से कॉपी पेस्ट के लिए ना हमने मेल किया था आईएफए को, तो मैंने आपको भेजा एक बार देखना उनका कुछ बताया था. मेल मैं नहीं चेक करूंगी, म्यूट करो. ये लास्ट टाइम भी हुआ था, उसके लास्ट टाइम भी काफी इशू हुआ था. वहां पे 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग अलग अलग मेल करते हैं, उस मेल का वैलिडिटी नहीं है, कोई रिलायबिलिटी. अगर एक जन कुछ और मेल करेगा, एक जन आपको कुछ और मेल करेगा. तो मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोग सुनो. अगर आप लोग कॉपी पेस्ट कर भी रहे हो तो आप लोग क्या कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये टेबल जैसे कि मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को. चलो रुक जाओ, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका क्यू एक्स लिख दिया इधर आपने, ये आपने कुछ भी ए क्यू एंड इधर पे आपने ए क्यू एक्स का कैलकुलेशन किया. ये आपने सपोज पी एक्स में एक बार के लिए दिखा रही हूँ 0.006 0.007 0.008. Let me just show you all 30, 31, 32. अब यहाँ आप लोग क्या करोगे, px में 1 minus this, ये करोगे excel में, ये करोगे 1 minus करके. अब आप लोग क्या करोगे, इसको copy paste करोगे? आज वो copy paste करो word में. ऐसे word में copy paste किया. See, what I will suggest is copy paste करने के लिए इसमें ना एक चीज करो, all borders add कर दो. Home tab में all borders का option है. तो अब आप लोग जब copy paste करोगे it will look better. ऐसे paste हुआ, पर कहाँ आया formula, कहाँ आया, कैसे पता कैसे आ रहे values, वो तो दिखाना पड़ेगा. Yes Kunal. मैम जैसे उन्होंने ना लिखा था कि आप पहले कॉपी पेस्ट करो, पर एंड में आप बोल बता देना कि आपने कैसे मतलब निकाला था सब कुछ. तो अगर हम कॉपी पेस्ट करके एंड में मतलब पूरा लिख देंगे कि ऐसे ऐसे निकाला तो हो जाएगा ना. मैंने जैसे बताया पूरा वैसे लिखना पड़ेगा, पर हाँ बस वो कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा ना हमारा, जैसे हम कैलसी से करते हैं वो एक्सेल अपने आप पढ़ लेगा. कर सकते हैं. मैम जैसे हम लोग नॉन यूनिट टेबल में बनाते हैं वो उसमें ना डिक्रीमेंट का भी यूज होता है, मल्टीपल डिक्रीमेंट का, बट मल्टीपल डिक्रीमेंट टेबल थोड़ा ऊपर रहता है वर्ड के, तो अपने को बाद में स्क्रॉल अप करके ऐसे देखना पड़ता है, तो उसका कोई वे आउट है क्या? नहीं, उसका कोई वे आउट नहीं है. वो तो तुम पेपर पेन पेपर भी करेगा तो तुमको एक पेज ऐसे घुमाना पड़ेगा. हाँ बट स्क्रॉल अप में टाइम लग जाता है ना, मींस कभी ऊपर ज्यादा चला जाता है कभी नीचे ज्यादा आ जाता है. तो माउस यूज करो ना. मैं भी इसीलिए यूज कर रही हूँ, या फिर कर्सर ऐसे ऐसे करो लैपटॉप में. यू कैन सिंपली डू दैट ना, ऐसे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस स्क्रोल बार ऐसे करो, है ना, टू फिंगर टिप से ऐसे ऊपर नीचे करो. देखो शिवम, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, इसीलिए मैंने एक डेढ़ महीना पहले बोला था वरना स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना. अभी तक काफी बच्चे बैठे हैं एकदम स्लाइफुली बैठे हैं और बोल रहे हैं हमने किया नहीं प्रैक्टिस स्टार्ट, और आप लोग को चाहिए फुल मार्क्स और आप लोग को होना है पास एग्जाम में. ऐसे कैसे पास हो जाओगे बताओ, ऐसे कैसे? एक्चुअली इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड सी एम एन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर. कैसे ऐसे ही थोड़ी बोलते है ना, तो थोड़ा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है. 5-6 प्रॉफिट टेबल्स बना लोगे ना, 5-6, बस 5-6 बोल रही हूँ, पूरा एकदम हार्ड बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट यस, जो अप्रोच हमेशा फॉलो कर रहे हो वही अप्रोच फॉलो करो डे वन से. ऐसा नहीं कि एक दिन एक तरीके से किया फिर मेरी फ्रेंड वैशाली कॉल करके बोली अरे ये वाला तरीका ट्राई करो ये सिंपल है. नहीं वैशाली, तुम मेरा तरीका ट्राई करो, उसको ऐसे बोल के जस्ट कट द फोन एंड टॉक टू हर आफ्टर द एग्जाम.
कोई फ्रेंड से भी मत डिस्कस करो. यस कुणाल मैम, जैसे कुछ क्वेश्चंस में ना हमें प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं, तो हम थ्योरी में तो पी लेट करके पर एंड करके करना पड़ता है यहां पे भी. हां, बट जैसा एक्सेल में अगर गोल सिक यूज करके हम करके. नहीं बेटा, गोल सिक नहीं वर्ड के लिए यूज करो प्लीज. नहीं, इसीलिए तो मैंने एक्सेल करवाया ही नहीं ना. जिनको एक्सेल में डाउट्स है वो मैं अलग से फिर एक दिन करवाऊंगी बैठ के एक्सेल वाला चीज. इसीलिए तो मैं नहीं, आई डोंट सपोर्ट इट पर्सनली. भाई कैलकुलेटर इतना अच्छा खासा है मेरे पास, क्यों नहीं यूज करूं मैं पी वाला चीज. गोल सिक यूज करके अगर आपने किया आपको बैन कर देंगे, फिर आप देखना आपको क्या करना है. बोलो गोल सिक कैसे आप बताओगे एग्जामिनर को? अब आप लिखोगे बाय यूजिंग गोल सिक इन वर्ड, आपको एक सीधा कर देगा गोल सिक. चलो बोलो नेक्स्ट डाउट. And anyways, if you are appearing from IEI, I don't think आप लोग को Excel use करने मिलेगा. I'm not sure about it. I will let you all know. Those who are appearing from IEI, अगर आप लोगों ने mock तो दिया ही होगा, क्या mock में? Yes, मैं option नहीं रहता Excel का. लेकिन वर्ड में ना एक ऑप्शन है कि इंसर्ट हम लोग एक्सेल सीट कर सकते हैं. नहीं करना. हाँ हाँ, लेकिन उसमें ना एक्सेल सीट वर्ड में अपने आप बन जाता है. मीन्स हम लोग को एक्सेल में जाना नहीं पड़ता. मेरे को मालूम है. वो मैंने स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था, मैंने दिव्यांश ने पूछा था, मैंने स्ट्रिक्टली नो एंड नो कर दिया था. हाँ वो करेंगे नहीं, बस ऑप्शन ऐसे बता रहे. वो तो मालूम है सबको नहीं करना. शुरू में दिव्यांश में और एवरी क्लास में ये वाला क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, और एवरी डे बच्चा मेरे से भी पूछता है अलग से भी. मतलब रात में मैं जब सोती हूँ ना तो मैं ये रिप्लाई करके सोती हूँ डेली. एवरी डे आई कैन शो यू ऑल द मैसेजेस इन द ग्रुप कि नहीं. अब मैंने क्या किया ना, मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया. दो तीन ऐसे कुछ कुछ परमानेंट मेरे आंसर्स होते हैं, उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया. फिर मैं वो कॉपी पेस्ट ऐसे एवरी डे करती हूँ हर एक न्यू बच्चों को. एंड मैं ग्रुप में भी लिखूंगी तो भी कोई पूछेगा मेरे से, फिर मैं उसको कॉपी पेस्ट करके भेजूंगी. हाँ मतलब दिस इज नॉट अ जोक, ये मैं सच्ची बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग आए हो लाइव में. अब जो बच्चा लाइव में नहीं वो वीडियो देखेगा, और वो वीडियो देखने के बाद ही मेरे से पूछेगा, फिर मैं उसको वापस से कॉपी पेस्ट करूंगी कि नहीं बेटा नहीं कर सकते ऐसे. चलो this is actually this happens, but कोई बात नहीं. आप लोग का first paper है, I can also understand कि word में है, मतलब थोड़ा, क्योंकि आप लोग जिनका first paper है उनको और ज्यादा लगता है, and CMN में है भी mathematical typing ज्यादा. पर ऐसा कोई नहीं, आप लोग को देखो अभी जैसे मैंने समझाया कहीं तो भी ऐसा लगा कि बहुत strain पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा strain. एक बार करो, दो बार करो, एक ही तरीका follow करो. अगर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो column के ऊपर में कि कैसे आ रहा है लिखो, अगर आप टेबल के नीचे लिखना चाह रहे हो वैसे लिखो, अगर आप एक एक जैसे कि इसको करके दिखा दिया बाकी तो सेम है, वैसे करना चाह रहे हो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट यूज योर अप्रोच विल मेक यू इजी. कुणाल आई विल डू दैट. नेक्स्ट क्लास लेट्स डिस्कस ऑल द जॉइंट लाइफ नोटेशन. ओके लेट्स डू दैट. यस ऐश्वर्या बोलो. पक्का मे बी टुमारो और डे आफ्टर, पक्का. हाँ ऐश्वर्या बोलो. मैम आप बोल रहे कि एक्सेल यूज कर सकते हैं, पर मैम एक तरह से वो भी हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, तो उनको तो पता चल जाएगा कि हम कुछ कॉपी कर रहे हैं. बट आप बता रहे हो ना, उसको एक्सप्लेन करो. इसीलिए तो मैंने उस समय भी किसको मैंने डाटा था, किसको डाटा था मैंने क्लास के स्टार्टिंग में, किसी को मैंने डाटा था, रितिका वंशिका को मैंने डाटा था कि वो ये क्वेश्चन तुम्हारे से पूछ रही थी कि कॉपी पेस्ट. अब जैसे यहाँ मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया करेक्ट है, बट इसको आई विल नाउ एक्सप्लेन. सो दैट इज एक्सप्लेन करने के बाद भी पर टेबल तो कॉपीड ही है ना मैम. हां तो वो दैट इज फाइन, दैट इज नॉट एन इशू. आप लोग को ऑनेस्टली एग्जाम देना है, इट्स अबाउट योर करियर. आप फेल हो सकते हो बट आप करियर को रिस्क पे नहीं डाल सकते. इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, गिव इट प्रोफेशनली, सोली खुद अकेले बस, फिर और कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता. एंड जो जो मैंने बोला है सेम वर्ड में, जैसे मैं भी कॉपी पेस्ट करी थी, यहाँ को इसको कॉपी पेस्ट करा, इसको कॉपी पेस्ट करा, दैट यू कैन डू. एक्सेल को आप यूज करो, दैट यू कैन डू. मेक श्योर यू एक्सप्लेन द कैलकुलेशंस वेरी नाइसली, बट कहीं और से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नॉट इवन फ्रॉम द PDF. यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे लेके कॉपी पेस्ट करते हैं, नो डोंट डू इट. ठीक है. Any word related doubts? Shivam, I will answer that later. Any word related doubts? आज के क्लास के
डोंट वरी, नाउ वी कीप दीज क्लासेस एवरी ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिव डेज. तो आज मेरा मेन एम वॉज टू एक्सप्लेन यू प्रॉफिट टेस्टिंग. वी मीट मे बी डे आफ्टर एंड आई विल लेट यू ऑल नो. एंड जॉइंट लाइफ का एक काम करते हैं. सो ठीक है, आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग. जस्ट गिव मी वन सेकंड.